सिर्फ आप सोच लो कि आप करना क्या चाहते हो, क्या आपके अंदर पैशन क्या है, आपका टैलेंट क्या है, जो आप हमेशा अगर एक सोचते हो कि अगर कभी आपको किताब लिखनी पड़ती वो क्या सब्जेक्ट होता, अगर आप बैठे हुए अकेले सोचते हो किस बारे में सोचते हो, अगर वो चीज को प्रैक्टिकल है तो जस्ट गो फॉर इट सीरियसली। और जिंदगी में हमेशा जो मुझे इन लोगों से सीखने का मौका मिला उसकी वजह से आज भी मैं खड़ा हूं ऑब्वियसली कि सर इट्स लाइक सेकंड टाइम कि आई एम फेसिंग दिस ह्यूज ऑडियंस, और वो इन्होंने मुझे पोटेंशियल दिया, इन्होंने वो एक चीज दी, और वो ये था कि जिंदगी में कभी फेलियर से नहीं डरना, बिकॉज फेल इज FAIL, दैट मीन्स फ्लाइंग अगेन इन लाइफ। दैट वॉज द मैसेज दैट वॉज गिवन टू मी बाय समंता। हम लोगों को यही होता है कि अब आपको पता है कभी सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एक सवाल पूछता हूँ, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है वो कितनी बार दफा गिरता है? अबाउट ऑन एवरेज 250 टाइम्स ही फॉल्स एंड देन ही विल स्टैंड्स अप एंड वॉक। और वो बच्चा पहले दूसरी मरतबा गिरने के बाद ही कि भाई मैं नहीं चलता, भाई मुझे नहीं चलता, मुझे बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। थॉमस I'm
से बड़े हैं। और पूरे मुल्क के ऊपर होने चाहिए। वजह यह है कि अवेयरनेस जो क्रिएट करने का तरीका होता है वो होता है बाय हैविंग कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोजियम्स और मतलब इवेंट्स लाइक दिस। एग्जिबिशन का फ़ायदा ये होता है कि लोगों को बिजनेस में अपने आप को एग्जिबिट करने का तरीका आ जाता है, और साथ साथ ये है कि कस्टमर्स को किसे डील करना होता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। आई थिंक क्या कहते हैं, दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड सच अपॉर्चुनिटीज जो हैं शुड बी मल्टीप्लाइड एंड शुड बी हेल्ड वेरी रेगुलरली ऑल ओवर द कंट्री। एंड क्या कहते हैं, आई वॉज हैप्पी कि मुझे मौका मिला टू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस रखता है इन टर्म्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको तो लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ह्यूमन फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कंट्रीज लाइक जापान है, सिंगापुर है, इनके पास किसी किस्म के रिसोर्स नहीं है सिवाय ह्यूमन रिसोर्स के, और वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस के ऊपर वो सारी अपनी प्लानिंग करते हैं, उनकी पॉलिसीज भी जो हैं उनके नाम भी डिफरेंट है। दे डोंट कॉल इट SME पॉलिसी, वो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। और एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी इज़ द मेन आर्किटेक्चर डिज़ाइन, और उसके अंदर जो सबसेट है ना वो SME पॉलिसी का। SME जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो ज़रूर है,
और उसका भी ग्रोथ जरूर है, मैं उसको कम्प्लीटली मतलब निगेट नहीं कर रहा, मगर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अम्ब्रेला एक्टिविटी जो है, पॉलिसी शुड बी बेस्ड अपॉन द अम्ब्रेला एक्टिविटी, और हम किस तरीके से अपने अपने एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर पोटेंशियल। एक तरीका तो ये है कि हम अगर पॉलिसी बनाएं तो हमारी पॉलिसी का हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी इम्पैक्ट करें, यानी एजुकेशन पॉलिसी का जो सेंट्रल थीम होनी चाहिए वो एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई थिंक इज बेसिकली क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस एक्टिविटी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर किताबें लिखना लाजमी है। हमारे मुल्क के अंदर लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एज सच एज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नहीं ले रहे, बड़ा आसान है। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्लासरूम एक्टिविटीज़ इज़ नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट, यू हैव टू हैव टेक्स्ट प्लस क्लासरूम एक्टिविटी एंड आउटसाइड एक्टिविटी। जो जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है वो बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए या सोशल वर्क रिलेटेड होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप अब किसी वजह से भी एक डायमेंशन को नहीं कवर करता, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब नहीं होता कि बिजनेस ही की जाए। एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई करता है सोशल डेवलपमेंट के सेक्टर में भी, डेवलपमेंट के सेक्टर में भी ये आता है, क्या कहते हैं, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के सेक्टर, औरतों की डेवलपमेंट के सेक्टर में भी आता है, ये इंडिजिनस एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट सेक्टर में भी आ सकता है। ये यू नो सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्या कहते हैं सपोर्ट दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेमन हैं, खोजे हैं, घोरे हैं, चिन्योटीज़ हैं, आगा खानीज़ हैं, कश्मीरीज़ हैं, पंजाबी दिल्ली सौदागरान हैं, अफगान ट्रेडर्स हैं, इस तरह यू नो इस तरह बेतहाशत देर आर 10 टिपिकली पाकिस्तान के अंदर देर आर 10 टॉप माइनॉरिटीज़ जिनकी पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरियल कंट्रीब्यूशन बेतहाशा है, उनके ऊपर किताबें लिखनी चाहिए। सो मेरा अपना ख्याल है कि एजुकेशन का फील्ड जो है ना महदूद नहीं बढ़ाना चाहिए। And this, I think, is my message for this program. Thank you,
सो मैं बहन को ये कहती कि उनके लिए नहीं है जो बस बैठे होते हैं बताना चाह रहा हूँ equally valuable, but the theme was more emphasizing, focusing on the woman. So before we start this up, I would like to show you a small video. This is a very small video because I personally believe that we had been talking whole day long, Sara Bindu talked about this. We finished the training program. आज हमें किसी चलते
अच्छा जब से हमारा चेंबर बना है जी जी आपकी आज मैंने किया फ्रंट फ्रंटियर उसमें I visited China recently and it was Guangzhou and it was a pretty city. But yeah, you will be amazed that at the pace and level at which they are developing and more importantly, aapke reference se, the role of women in it. It is absolutely critical. It is critical. And Lahore is an independent city. But it is like, it should develop like it is still not. Let's sit together and work on it. Bangkok, Bangkok is like an independent city. आप उसको एयरपोर्ट से ही आपको अंदाजा हो जाता है हाउ मच एंटरप्रेन्योरशिप इज कमिंग अप इन दिस कंट्री. पाकिस्तान में भी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप विद स्पिरिट है. ये नेशन इज वेरी अलाइव. इट्स अलाइव टू इट. ऑल दैट वी नीड टू डू इज चैनल इट, हार्नेस इट एंड देन गेट रिजल्ट फ्रॉम इट. पीपल लाइक यू एंड आयशा एंड यू दिस दीज एफर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ दैट. बट इन चाइना दिस आई हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस. Pharma Expo was also taken by China as one of the tools to develop their city. The Pharma Expo are also very huge. One of the tools is Pharma Expo, not the Expo Center. Pharma Expo is a tool for the country. They never really the same venue for the same exhibition. क्योंकि हम एक कोशिश करते हैं अगर हमारा कि फाइनेंशियल अरेंज कर सकें ना तो वीमेन का इसको जो विजिट्स कराएं बाहर. वी नीड टू नो के जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी ना आपकी तरफ से हमें समझ नहीं आएगी. आप तो खुद कह रहे हैं ना मैं चाहना हाँ जी नहीं मैंने खुद देखा ना बिकॉज मैंने भी आई एम ट्राइंग टू डू डू समथिंग. मैंने भी आपको ये बताया कि जैसे मैं जब गई ये जो सिटी है जब होती तो वो चाइना सो ह्यूज दैट यू वांट टू नो कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा और वहाँ पे और सब इस तरह कहते हैं लेट्स सिट डाउन टुगेदर ऑफिस इनवाइट आयशा फॉर द रेड केयर ऑफ मैन ऑफ वुमेन्स लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन
is going to be led, which is going to conclude this night. Thank you.